हाँ जी तुसी देख रहे हो पंजाबी एक्टिव टीवी, मैं तुहाडा अपना वीर गुरदीप सिंह टोनी। आओ तुहानू सुल्तानविंद शेवाड पंडोरा पत्ती बैणीवाल कुलदीप सिंह डिपू वाली गली। आओ तुहानू गली दे विच सारे लोगों ने आपा संगत नू मिलिए ते नाले इत्थों दे नरक दे हालात इन्हां को पुछिए। हाँ जी बाबा जी तुसी अपना इलाके का दसो जी, अपने महल्ले का की बहुत परेशानी है, टूटिया टाटिया का पानी नहीं आता, गलियां इन्हें चलो गया बनिया नहीं है, तो होर राशन जोड़ा वो भी नहीं आ रहा, सरकार का बहुत परेशानी कर रही है। वोटा किनू पाइया कांग्रेस ने वोटा पाइया। हाँ जी तुम उन्होंने को कभी गए जे पुछन भी आ कोठी च गए हैं, कई बार होर भी कोई काम होंगे आ बलारिया साहब बहते नहीं आ ना मिलते ही, तो जो पीए उन्हों का कोई काम होंगे नहीं, वो फोन करते तो कुछ सुनती गलती नहीं उन्होंने। सुल्तानविंद शेवाड पंडोरा कुलदीप सिंह डिपू वाले की गली, जिस गली दे विच बिल्कुल सारी गली पुट्टी हुई आ, उस नूं बनाउण वास्ते कोई भी नहीं आ रहा। जे लोग बनाउण दे बारे गल करदे ने तां अगों कहा जांदा कि 400 रुपया लगेगा एक पैप का, जो पैप के पानी वाले पौने गली दे विच ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜੇ ਕਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਟੀਲਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਚਿੱਕੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਏ ਨੇ ਨਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ? ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੀ ਡਏ, ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ 400-400 ਰੁਪਈਆ ਪੈਪ ਆਉਂਦਾ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 400-400 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੀੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਰਾ ਲੰਘੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-15 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੜਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋ
हाथ जोड़ के बेनती साफ संगत नूं महाराज जी आ गलियां च बहुत साडे गंद हैगा साडे घरां च नरक वड़न दिया कोई इत्थे कोई आण के पुछगिछ नहीं करन दिया इन्हां नूं अपने आप पता नहीं लगता वोटां लैण लई हर साल लई आ जांदे आ बाकी किसी नालियां का नहीं ख्याल इत्थे किसी नूं गलियां का नहीं ख्याल लाइटां साडियां वह बुझियां रहिंदियां आ तारां दे वह वेखो इत्थे की हाल होया जे कितें रात कोई मीह नेरी आ जाए कोई तार टुट के डिग जाए तो चंबड़न वाली गल आ ना कोई इत्थे लाइट जगती ना कोई इत्थे नाली कड्डन आउंदा नालियां दा हाल माड़ा आ उधरों सारे इत्थे गलियां दा बहुत बुरा हाल होया आ जरा मार के वेखो कैमरा थोड़ा जिहा गलियां दे विच कितना साडे पानी खलोता घरां च चढ़न दिया पानी गलियों का बहुत माड़ा हालात है वेखो किड़े किड़े खंडे पे तो बच्चे जाते बेचारे डिग पे बेचारे कोई बजुर्ग धी भैन जी जाती है तो बत्ती कहने वो नहीं कहने नहीं जे कि गरीब का मीटर के तो 2-3 हज़ार भी लगता मीटर कट के लै देते बाकी जिन्होंने मरीज चढ़े बंबियां तो उन्होंने तक कोई जाता नहीं है तो माड़े बंदे भी काम करते गलियों का सुधार होना चाहिए। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। एक गल इस तरह कि वेखो आ गलियां जिन्हें कितना पानी खलोता वा पिंड का किसी बन्ने चारे बन्ने कोई निकास नहीं जदों दी बादल सरकार ही उदों के सारे काम कार वधिया ही ते आ जिद्दन दे बलारिया साहब होके गए आ उद्दन दी बत्तियां बुत्तियां सब बंद आ तां किन्ने टोए टिब्बे खड्डे जिहड़े सारे भरे पए पाणी। हाँ जी प्रधान जी तुसीं दसो वी तुहाडे की हालात ने किस तरह ये मुश्किल आईयां ने। साडे इलाके दे विच 4 साल हो गए सरकार बनी ते जिहड़े इन्हां ने वादे कीते सीगे वादे ते कोई वी नहीं इन्हां को पूरा होया तो ये कहें जे हम दो लोगों ना गमराह कर रहे जो सीवर अही पाया ये जो अकाली सरकार की देन आ जोड़ा सीवर पै रहा है ये अकाली सरकार के पैसे आ जोड़े लगन रहे इन्हों को तो हैगा ही कख नहीं बेचारियों को इन्हें ना कुछ लाया गया बाकी इन्हों को तो जोड़े सफाई वाले आेखो इधर थले थले वेखो जिदन इतने बुलारिया साहब लग के गए ना उदन का ही इतने तक कोई सफाई वाला नहीं इतना आया तो लाइटा स्टील लाइटा उ नहीं जगदिया बुलारिया साहब के नाल जी टीम के नाल 100 बंदा ही तो 100 बंदे ने भी नहीं थले क्या भी थले वेख लो करा कि वा लंघन मुश्किल किनी आ इतने ना कोई गरीब बच्चा जोड़ा बजुर्ग वो भी नहीं लंघ सकता तो ना कोई बच्चा लंघ सकता हूँ तो वैसे स्कूल च छुट्टियां हुई जे कि स्कूल की छुट्टियां ना होंदिया तो कई बच्चों के सट्टा लगनिया है जो जी इन्ना नरक पाया गलिया के कभी गए जे जी भी आ गलिया नरक साढ़े दूर करो जी काम अं बड़ी बार क्या जी सारे क्या कौंसल क्या सारे आते साड़ी गली से कोई इलाका कोई किसी की निगाह च नहीं है कि बनने बने च ना बने ये सब तो बाद बारी आई है तो अजे भी कोई डीकास्ट कर नहीं है स्लो कम कर सारे जने ने।